हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी मस्त होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी गाइस 2 मिनट में। गाइस, आज मैं आपको नवरात्रि फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही खतरनाक। स्क्रीन में देख पा रहे हो, कुछ ही टाइप का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। गाइस, ऐसा फोटो आप भी एडिट कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप फुल वॉच कर लोगे ना, तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसा फोटो आप भी एडिट करना सीख पाएंगे। इसमें बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो करते हैं यार वीडियो स्टार्ट। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटी है ना उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं गाइस मेरे फोन की होम स्क्रीन में, वहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ रहा है और आपको भी नवरात्रि का फोटो एडिट करना सीखना है। तो चलते गाइस, जब तक आज चुका हूँ मेरे फोन की होम स्क्रीन में, और आ जाने के बाद मैं एक बार आपको फोटो को बता दूं गाइस। तो देख ही पा रहे हो कुछ ही टाइप का हैप्पी नवरात्रि फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। देख ही सकते हो फोटो बहुत ही हौसम लग रहा है गाइस। ऐसा फोटो आप मात्र 2 मिनट में एडिट कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को बिना स्क्रीन फुल वॉच कर लोगे ना, तो बिल्कुल गारंटी के साथ 2 मिनट में ऐसा फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। इसमें पीएनजी और बैकग्राउंड का यूज क्या है तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के बीच में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। तो करते हैं फाइनली वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन कर लेना और अपना जो डेटा है उसको भी ऑन कर लेना यहाँ से, और थोड़ी देर वेट करना। और कुछ प्रकार जैसे ओपन करोगे ना तो आपको प्लस वाला आइकन देने मिलेगा, प्लस में क्लिक कर लेना है। और प्लस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड फोटो में क्लिक कर लेना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद फाइनली आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं फोटो को ले लेता हूँ गाइस। सो गाइस, स्क्रीन में देख पा रहे हो मैंने फोटो ले लिया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, आपको ऐसा का ऐसा फोटो आपको मिल जाएगा। ओनली अपना ही फोटो इसमें सेट करना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैं कर लेता हूँ फोटो को सेट। स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ पर ऐड फोटो देखने मिलेगा, ऐड फोटो में क्लिक कर लेना है। और ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद फिर से गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं फोटो को ले लेता हूँ मेरे फोटो को। तो देख सकते हो गाइस मैंने फोटो ले लिया, और इसका बैकग्राउंड हमको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करना है, अगर गाइस इस फोटो का आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देखकर ऐसा फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। तो फोटो को सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना मेरे भाइयों, और आपको यहाँ पर कैंची वाला आइकन देने मिलेगा, कैंची में आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे कैंची में क्लिक करोगे ना आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट में वाला ऑप्शन देने मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक कर लेना है और आपका डेटा ऑन होना चाहिए, ठीक है मैंने बता दिया आपके लिए, आपका डेटा ऑन होना चाहिए, ये तभी बहुत ही अच्छा कटआउट करेगा। तो इस प्रकार से हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके देख लेना जहाँ पर रह गया, वहाँ पर जूम कर लेना अच्छी तरीके से, देख लेना यहाँ रह गया। तो मैं यहाँ से ये लास्ट वाला इरेज वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ ही प्रकार से हटा लेता हूँ। देखते हो हट गया ना, तो कुछ ही प्रकार से हटा लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखते हो इस प्रकार आप हटा लेना अच्छी तरीके से, जहाँ जहाँ आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया इसको हटा लेना है, ठीक है। तो हट चुका है अच्छी तरीके से। हटने के बाद मेरे भाई यहाँ से मैं कर लेता हूँ फाइनली राइट में क्लिक ऊपर की तरफ से, ठीक है। राइट में क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार से आ जाएगा हमारा फोटो। तो इसको इस प्रकार सेट कर लेना आप मेरे भाइयों, देख लेना अच्छी तरीके से हो गया ना सेट। होने के बाद आपको यहाँ से फाइनली राइट में क्लिक कर लेना है, और राइट में क्लिक करने के बाद मेरे भाइयों आपको ऐड फोटो में जाना है, और आपको यहाँ पर एक पीएनजी मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं पीएनजी को ले लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस, इस पीएनजी को आपको कैसे ऐड करना है गुलाल वाले को, इसको नीचे की तरफ आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम कर लेना है, ठीक है। ये लाइन आएगी ना, ये ब्राइटनेस है, इसको यहाँ से कम कर लेना है। देख, इसको जैसे कम करेंगे ना पूरा गायब हो जाएगा। तो इसको यहाँ से 80+ कर लेना है, ठीक है मेरा। और इसको इस प्रकार से सेट कर लेना आपको अच्छी तरीके से, देख लेना हो गया ना सेट। फिर मैं फाइनली यहाँ से राइट वाला आइकन देने, राइट में क्लिक कर लेता हूँ, और फिर से मैं ऐड फोटो में जाता हूँ, और जो बाकी पीएनजी रह गए ना उनको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। गाइस मैंने ले लिया और ये 3 PNG है, ठीक है, हैप्पी नवरात्रि। तो मैं इसको क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर आपको इसको नीचे की तरफ लगाना है, यहाँ पर देख लेना बहुत ही होसम लग रहा है ना, तो इसको यहाँ लगा लेना है। और जो ये ऊपर वाला है ना इसको आपको यहाँ सेट कर लेना है, देख लेना मेरे भाइयों यहाँ। और जो तिलक वाला है ना इसको पकड़ कर और अपने यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा लेना है। देखते हो मैंने लगाया ना कुछ प्रकार से, यहाँ से लगा लेना है मेरे भाइयों। देखते हो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको फाइनली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको राइट वाला आइकन देना होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फाइनली राइट में क्लिक कर लेना है। सो गाइस, कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा, देखते हो, ठीक है मेरे भाइयों। होने के बाद मेरे भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर डाउनलोड वाला आइकन देने मिलेगा। तो यहाँ से फाइनली फोटो को डाउनलोड कर लेना है,
डाउनलोड हो चुका है मेरा फोटो गैलरी में। तो यहाँ से हम जाएंगे बैक और ओपन कर लेते हैं गैलरी में। ये देखते हो गैलरी को जैसे ओपन किया हमारा फोटो फर्स्ट में आ चुका है। आ जाने के बाद आपको शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है और फोटो को आपको यहाँ से शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं ले चलता हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखते हो गाइस इसके अंदर मैंने फोटो को शेयर कर लिया और शेयर हो जाने के बाद आपको टूल्स में क्लिक कर लेना है और टूल्स में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना और आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको यहाँ से स्मूथ टू सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर यहाँ नीचे इसमें क्लिक करके तीन नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ से आप स्क्रॉल करना है इधर स्मूथ टू देख लेना। यहाँ पर देने भी मिलेगा आपको स्मूथ टू सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट किया इसको बढ़ा लेना है आपको। इसको यहाँ से 50 प्लस कर देना है और इसके नीचे वाले इसको शो कर देना है और इसके नीचे वाले इसको आपको यहाँ से 50 प्लस कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है मेरे भाइयों। ठीक है राइट में क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्टिव वाला ऑप्शन देने मिलेगा। इसमें आपको क्लिक कर लेना है जूम का लेना और जहाँ पर भी आपका फोटो ब्लैक है इस प्रकार रख लेना है इसको और छोटा कर लेना सर्कल को और इस प्रकार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। ठीक है ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से फाइनली राइट में क्लिक कर लेना है। देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपको यहाँ पर शेयर वाला आइकन देने मिलेगा। शेयर वाला आइकन में क्लिक करके फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। सो माय यूट्यूब फैमिली देख पा रहे हो हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। आ जाने के बाद मेरे भाई नीचे स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ पर जाना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स देखने मिलेगा। मिक्स में आपको क्लिक कर लेना है और मिक्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है मेरे भाइयों। सेलेक्ट करने के बाद जो बीच वाली लाइन है ना इसको आपको इधर प्लस कर लेना है। ठीक है इसको प्लस रख लेना है प्लस शो कर देना है और जो ऊपर वाली है ना इसको आपको इधर प्लस 21 कर देना है मेरे भाइयों। इतना हो जाने के बाद फिर आपको येलो कलर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो बीच वाली लाइन है इसको हल्का सा माइनस कर लेना है यहाँ से -15 और इसके नीचे वाली इसको आपको +25 कर देना है। फिर आपको फर्स्ट वाला जो कलर है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन गाइस इसको आपको हल्का सा माइनस कर लेना है -12 और इसके नीचे वाली है ना बीच वाली इसको आपको यहाँ से +21 कर देना है मेरे भाइयों। इतना हो जाने के बाद आपको दूसरे नंबर वाले कलर में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो नीचे वाली लाइन है गाइस इसको आपको प्लस कर लेना है इसको +16 कर देना है और +16 हो जाने के बाद आपको यहाँ से इस वाले कलर में क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करके ये ऊपर वाली लाइन है इसको आपको इधर माइनस शो कर देना है। ठीक है माइनस शो हो जाने के बाद नीचे वाली ना इसको आपको प्लस कर लेना है +90 कर लेना है मेरे भाइयों। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से डन में क्लिक कर लेना है। डन में जैसे ही क्लिक करोगे आपको सामने फिर से कलर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करना और इस वाले कलर में क्लिक करके स्क्रॉल का सा बढ़ा लेना है। इसको यहाँ से 43 प्लस कर देना है मेरे भाइयों। 43 प्लस हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेना है। यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसको मेरे भाई। यहाँ से 11 प्लस कर देना है और 11 प्लस हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैक। बैक आने के बाद आपको डिटेल्स में क्लिक कर देना है और डिटेल्स में क्लिक करने के बाद फर्स्ट में शार्पिंग, तो शार्पिंग में यहाँ से इंक्रीज कर लेना है 26 प्लस कर लेना है। ज़्यादा भी नहीं करना है इसको मेरे भाई। यहाँ से 26 या 22 प्लस कर देना है। ठीक है तो मैंने 25 प्लस कर दिया। नीचे स्क्रॉल करना आप और आपके यहाँ पर मार्क्सिंग और निवाइस ये दोनों को आपको यहाँ से रख लेना है 32 प्लस और इसके नीचे निवाइस इसको रख लेना है आपको यहाँ से 32 प्लस कर देना है मेरे भाइयों। इतना हो जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है स्क्रॉल करना इधर और आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ये दोनों को आपको इनेबल कर देना है। ठीक है मेरे भाइयों दोनों को आपको इनेबल कर देना है। अब देखते हो गाइस हमारे फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है। जूम करके दिखा दूँ उनको। देखते हो देखो बिफोर एंड आफ्टर। देखते हो मेरे भाइयों कितना होसम तरीके से हमारा फोटो बन चुका है नवरात्र का। कितना होसम तरीके से हमारा नवरात्रि फोटो बन चुका है मेरे भाइयों। तो इसको शेयर तो गाइस इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको शेयर वाला आइकन देने लगा ऊपर की तरफ। शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है और यहाँ से सेव टू डिवाइस में क्लिक कर लेना है मेरे भाइयों। और थोड़ी देर वेट करना आपको यहाँ पर ओके वाला आइकन आएगा ना इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना गैलरी में सेव हो जाएगा। गाइस आपको PNG कहाँ से डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप सभी PNG और जो अनुष्का वाला फोटो है ना वो मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपका दोस्तों को। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में। जब तक के लिए बाय। वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। Did anybody out there hear me?